विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववंद्यं सदा वंदे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी महाक्षेत्र में कोटि बिल्वार्चन के उपलक्ष्य में चल रहे इस धर्म सभा में उपस्थित काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण और इस महान कार्य में सहभाग होने के लिए आए हुए विभिन्न प्रांतों के समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र चातुर्मास में काशीस्थ जंगमवाड़ी महामठ में कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अत्यंत भक्ति भाव से संपन्न होते जा रहा है। विभिन्न प्रांतों के लोग श्रद्धा से भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी आप भाग लेकर श्री सिद्धांत शिखामणि का आशीर्वचन आप लोग सुनते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि एक दर्शन क्षेत्र का अपूर्व मणि है, एक दिव्य रत्न है जिसके प्रकाश में प्रत्येक जीवात्मा अपनी साधना करते हुए परम सायुज्य को प्राप्त कर सकता है। उस महान ग्रंथ के क्रम प्राप्त सभी स्थलों के ऊपर हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं। कल पंचाक्षर जप स्थल के बारे में हम लोगों ने विचार किया, आज उसके अगला स्थल है भक्त मार्ग क्रिया स्थलम। अर्थात इस संसार में जिसको हम लोग भक्त कहते हैं उनके आचरण कैसा रहना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा रहना चाहिए, तो इसकी चर्चा, इसका विस्तार जो है इस स्थल में किया जाता है। तो कहले इस सिद्धांत शिखामणि में शिवभक्त का क्या लक्षण है, पहले भक्त का लक्षण के बारे में विचार करते हैं, उसके बाद उसकी दिनचर्या के बारे में विचार करते हैं। धृतश्री भूति रुद्राक्षः प्रयतो लिंगधारकः जपेत पंचाक्षरी विद्याम् शिवतत्व प्रबोधिनी। तो कहते हैं धृतश्री भूति रुद्राक्षः प्रयतः लिंगधारकः, भस्म रुद्राक्ष धारण किया हुआ और पंचाक्षर महामंत्र का जप करने वाला इष्ट लिंगधारी जो भक्त है उसी को शिवभक्त शिवभक्त कहा जाता है। शिव के जो प्रिय वस्तु है उसके ऊपर प्रेम करने वाला,
और साक्षात शिव के ऊपर भी प्रेम करने वाला जो भक्त होगा उसी को हम लोग शिव भक्त कहते हैं। शिव के लिए प्रिय क्या है? भस्म शिव के लिए प्रिय है, रुद्राक्ष शिव के लिए प्रिय है, उसको देह शरीर पर निरंतर धारण करना चाहिए और साक्षात शिव का ही स्वरूप जो इष्टलिंग है उसको अपने गले पर निरंतर धारण करना चाहिए और भगवान शिव का जो मुख्य नाम है पंचाक्षर महामंत्र है उसको जप करते रहना। इस व्यवहार को करने वाला जो भक्त है उसी को शिव भक्त कहा जाता है। तो भक्ति क्या है? पूज्येषु अनुरागो भक्ति ही, अर्थात बड़ों के ऊपर जब हम लोग अनुरक्त हो जाते हैं अर्थात प्रेम करते हैं उसी का नाम भक्ति है। प्रायः संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी के ऊपर प्रेम नहीं करता। तो संसार में किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेम करने वाले हैं, वस्तुओं के ऊपर प्रेम करने वाले हैं, धन आदि प्रतिष्ठा के ऊपर प्रेम करने वाले हैं, लेकिन ये सारा प्रेम एक न एक दिन जो है हमारे से छूट जाने वाला है। जो हमसे विभक्त नहीं होता है उसके ऊपर निरंतर प्रेम करना चाहिए, वही भगवान शिव है। जब हमारा प्रेम शिव के ऊपर हो जाता उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को शिव भक्ति कहते हैं। आप सब लोग शिव भक्त हैं, भगवान शिव को अपने इष्टलिंग के रूप में शरीर पर आप लोग धारण किए हुए हैं, रोज उसकी आप लोग पूजा करते हैं, तो अपने कपाल पर और शरीर के विभिन्न भागों में भस्म धारण करते हैं, यथाशक्ति यथा संख्या रुद्राक्ष की भी धारणा आप लोग करते हैं, तो इतने करने से हम लोग शिवभक्त हो गए ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हमारी चित्त वृत्ति जो है थोड़े समय के लिए भगवान के साथ जुड़ती है और निरंतर संसार के साथ हमारी चित्त वृत्ति जो जुड़ी रहती है। तो जिसके साथ हम जुड़ते हैं तो उसका स्वरूप उसका स्वभाव जो है हमको प्राप्त होता है। संसार के साथ जुड़ेंगे तो संसार का जो स्वभाव है वो हमारे साथ जुड़ जाता है। यदि हमारा चित्त भगवान के साथ जुड़ जाता है तो भगवान का जो स्वरूप है हमारे साथ आ जाता है। तो संसार दुख रूप है। जो व्यक्ति निरंतर संसार का ही चिंतन करता रहता है उसको निरंतर दुख को ही अनुभव करना पड़ता है। इसलिए संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमको दिन में थोड़ा समय जो आनंद रूपी है, जो सद्रूपी है, जो चिद्रूपी जो परमात्मा शिव है उसका चिंतन उसका भजन उसका ध्यान प्रत्येक व्यक्ति जब करेगा वही उसके मन के शांति का एक स्थान है। उसको छोड़ करके मनुष्य को कहीं पर भी शांति नहीं मिल सकती। इसी उद्देश्य आप सब घरदार अपने परिवार छोड़ करके कितने दूर दूर यात्रा करके आए हैं, केदार गए थे, कितना कष्ट है। जाने से पहले मालूम नहीं था, जाके जाते समय मालूम हुआ कि कितना कष्ट है। जब बाहर पहाड़ चढ़ने में इतना कष्ट है, बाहर के पहाड़ चढ़ने में इतना कष्ट है, जब आप अंदर के पहाड़ चढ़ेंगे तो कितना कष्ट होता है उसका अभी किसी को जानकारी नहीं है। तो अंतरंग यात्रा के बारे में हम लोग बहुत कम सोचते हैं, बहिरंग की यात्रा के बारे में सोचते हैं। ठीक है, घर में बैठे बैठे ऊब गए हैं, कहीं जाने की इच्छा होती है, इधर उधर क्यों जाना, चलो तीर्थ क्षेत्र। तो भगवान शिव के ऊपर भक्ति करने के लिए एक अंतरंग मार्ग है और दूसरा बहिरंग मार्ग है।
जिसको अंतरंग में प्रवेश असंभव है, वो जा नहीं सकता है, वो पहले बहिरंग में जाएगा और बहिरंग के बाद जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब वो जा करके अंतरंग में उसका प्रवेश हो जाता है। तो श्री सिद्धांत शिखामणि में भगवान शिव की पूजा करने के लिए पांच मुख्य तत्व यहां पर बताते हैं। तपः कर्म जपो ध्यानम ज्ञानम चेत्यनुपूर्वकम इति पंच प्रकारोयम शिव यज्ञ प्रकीर्तिता। तो भगवान शिव की आराधना पांच प्रकार से की जा सकती है, उसी को पंच यज्ञ शिव पंच यज्ञ कहा जाता है। तपः कर्म जपः ध्यानम और ज्ञानम, ये पांच विधान से जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो एक एक के बारे में थोड़ा हम विचार करेंगे। पहला है तपः। तप का अर्थ होता है तपश्चर्या। जैसे कहीं के आप लोग सुनते हैं तपोनुष्ठान हो रहा है, महास्वामी जी का तपोनुष्ठान हो रहा है, तो हम लोग सोचते हैं तपोनुष्ठान करना केवल महास्वामी जी का ही काम है और हम लोग कभी समाप्ति में जा करके नमस्कार करके उनका तीर्थ प्रसाद ले लेंगे तो हमको पूरा फल मिल जाएगा। वो तपस्या करना उनका है, फल पाना हमारा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को तप करना चाहिए। तो तप का अर्थ क्या है? महीना भर कहीं बैठ करके जप करना, इसी का नाम तप नहीं है? तो शरीर को होने वाला जो क्लेश है, जैसे आप सत्संग में बैठे हैं तो बैठे बैठे एक घंटा बैठने तक किसी को पैर में दर्द होता है, उठने की इच्छा होती है, पैर लंबा करने की इच्छा होती है, लेकिन कर नहीं सकते हैं, उसको सहन करते हैं। बैठना अभी 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा, अभी 15 मिनट में समाप्त हो जाएगा, बाद में उठना ही है, बीच में उठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे लोक भय से आप लोग बैठे बैठे जो कष्ट का सहन करते हैं कहां पर? सत्संग में। तो वो जो सहन होता है उसी का नाम तप है। और जब आप बिल्वार्चना में बैठते हैं, कभी घंटा भर बैठ का अभ्यास नहीं है, तो नामावली जब शुरू हो जाता है, सहस्र नामावली होने तक घंटा के ऊपर चल जाता है, तो इधर देखना उधर देखना, अभी कितने बचे हैं, अभी कितने नामावली बची होगी, कब समाप्त होगा, इतने होते हुए भी कोई उठ के नहीं जाता है। चलो एक दिन बैठना है हमको, रोज रोज तो बैठना नहीं है, तो कितना भी कष्ट होगा उसको सहन करना। ये जो सहन शक्ति है शिव पूजा करने में, सत्संग में बैठने के बाद, या शिव पूजा की सामग्री के संग्रह करने में, आपको यहाँ बिल्व दल जो है तैयारी मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं होता है तो कहाँ बिल्व का वृक्ष है, स्वयं जाओ उसको लेके आओ, उसको साफ करो, सफाई करो, ये सब करने में जो शरीर को क्लेश होता है, जो त्रास होता है, उसको त्रास न मान करके ये भगवान की सेवा है, हमारे द्वारा ईश्वर की सेवा हो रही है, इस भावना से उस कष्ट को जब आप लोग आनंद से अनुभव करेंगे तो उसी का नाम तपः। अर्थात शरीर पूजा सामग्री संपादन करने में, पूजा करते समय, सत्संग में बैठते समय जो भी क्लेश होगा, क्लेश का सहन करना ही तपश्चर्या। हमारे ऋषि महर्षियों को तपस्वी ऐसा शब्द मिला है, वो बहुत बड़े तपस्वी है। बहुत बड़े तपस्वी का अर्थ क्या है? उनमें सहन करने की बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके पास सहन करने की शक्ति अधिक से अधिक होती जाती है उतना वो बड़े तपस्वी कहलाते हैं।
तो आप लोग भी घर में जब संसार के तापों को जब सहन करते हैं, सहन करेंगे तभी आप घर में टिक सकते हैं, नहीं सहन करेंगे तो टिकना मुश्किल होता है। बिना सहन किए कोई आदमी कहीं रुक नहीं सकता है। इसी उद्देश्य से यहां पर तप शब्द का अर्थ होता है शरीर शोषणम, शरीर को जो कष्ट होगा उसको सहन करना ही तप है। दूसरा यज्ञ है कर्म यज्ञ। तो कर्म का अर्थ होता है क्रिया। तो कर्म जो है शास्त्रों में नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, निषिद्ध कर्म, इस प्रकार पांच प्रकार के कर्म बताए गए। तो नित्य कर्म का अर्थ होता है जो प्रतिदिन अवश्य करने वाला जो कर्म है उसी का नाम नित्य कर्म है। जैसे वीर शैवों के लिए इष्टलिंग पूजा वो नित्य कर्म है। यावद आयु, जो पर्यंत हमारे शरीर में प्राण है तब तक उसकी पूजा कभी छोड़नी नहीं चाहिए। प्रतिदिन कम से कम एक बार उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, तो इसको कहते हैं नित्य कर्म। दूसरा कर्म होता है नैमित्तिक कर्म। निमित्त आने के बाद करते हैं, निमित्त नहीं रहेगा तो नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोग संकष्ट चतुर्थी करते हैं, उस दिन दिन भर उपवास रहना, चंद्रमा का उदय कब होगा पंचांग में देखना, यदि चंद्रमा बादल से ढका हुआ है दिखाई नहीं देता है तो देखने तक हम तो बैठ नहीं सकते हैं, तो पंचांग में देखते हैं कितना बजे चंद्रोदय होता है। तो हमको आकाश में नहीं भी दिखाई देगा तो पंचांग में चंद्र दिख जाता है तो हम लोग भोजन करते हैं। अर्थात ये व्रत जो है रोज नहीं करते हैं, इसको कहते हैं नैमित्तिक व्रत। कुछ लोग सोमवार का व्रत करते हैं, सोमवार के दिन उपवास करते हैं, प्रदोष के दिन उपवास करते हैं, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं, कुछ लोग एकादशी को उपवास करते हैं। ये जब वो तिथियां आ जाते हैं तभी आप करते हैं, नहीं रहेगा तो आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कैसे भी रहते हैं। संकष्टाया सोमवार या एकादशी आ गए तभी हम लोग जो व्रत करते उसका नाम है नैमित्तिक व्रत है, निमित्त आने के बाद करने वाला व्रत। और दूसरा है काम्य कर्म। संसार में रहते रहते जीवात्मा को अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। पुत्र की इच्छा होती है, पति की इच्छा होती है, पत्नी की इच्छा होती है, अधिकार की इच्छा होती है, धन दौलत की इच्छा होती है, व्यापार उद्योग बढ़ाने की इच्छा होती है। एक है दो है, एक आदमी का इच्छा का लिस्ट करते बैठेंगे तो कितना भी कागज प्रेस से निकलता है अपूरा पड़ता है। आप लोग आए हैं, आपकी इच्छा क्या है, यदि हम एक की इच्छा के बारे में पूछते बैठेंगे उसको लिखना एक आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे समुद्र के तरंग एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक जैसे आते ही रहते हैं, एक इच्छा पूरी हो गई तो तुरंत दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, उसकी पूरी करते करते तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो आप लोग काशी आए, काशी के बाद विचार करते हैं केदार जाना, केदार के बाद नेपाल जाना, नेपाल के बाद फिर वहां जाना, यहाँ जाना, वो कहीं जाने पर भी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होते हैं, फिर भी कुछ अधूरा रह जाते हैं, चलो अगले बार देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, कुछ इच्छाएं लौकिक है, कुछ इच्छाएं पारलौकिक होती है। तो सभी इच्छाएं केवल धन से प्राप्त नहीं होता, हमारे पास सामग्री बहुत है,
अधिकार है, संपत्ति है, जन समुदाय सब कुछ है, फिर भी हम अपने इच्छाओं को इनके द्वारा पूर्ण जब नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है, कुछ पूजा करनी पड़ती है। अपने कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जब जीवात्मा कुछ कर्म करता है, शास्त्र में बताए गए जो कर्मों को करता है उसका नाम है काम्य कर्म। अपने कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो कर्म उसका नाम काम्य कर्म है। और दूसरा कर्म का नाम है निषिद्ध कर्म। काम्य कर्म एक होता है प्रायश्चित कर्म। मनुष्य अपने जीवन में व्यवहार करते समय कुछ अच्छा भी कर्म करता है, अपने जीवन में अनेक बार मनुष्य अच्छा भी काम करता है, बुरा भी काम करता है, जानते हुए बुरा काम करता है, न जानते हुए बुरा काम करता है। तो बुरा काम करने के बाद जो दुरित उत्पन्न होता है, जो पाप उत्पन्न होता है, उसको दूर करने के लिए कुछ कर्म बताए गए। तो प्रायश्चित दो प्रकार का प्रायश्चित है, एक असाधारण प्रायश्चित कर्म, दूसरा साधारण प्रायश्चित कर्म। कुछ दुरितों को हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जो पाप किया है वो हम लोग जानते हैं, और कुछ पाप ऐसे होते हैं कि कई पिछले जन्मों के होते हैं, वो अनजान में है, हमको मालूम नहीं है। इस तरह जानते हुए किए हुए पापों का और अनजान में हुए पापों को दूर करने के लिए दो प्रकार का प्रायश्चित बताया जाता है, एक साधारण प्रायश्चित है और दूसरा असाधारण प्रायश्चित। तो साधारण प्रायश्चित जो है सब कर्म के लिए होता है। तो साधारण प्रायश्चित क्या है? गंगा स्नान करना, तीर्थ यात्रा करना, विश्वेश्वर का दर्शन करना, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना, ये जो यात्रा का विधान बताया गया, इसलिए बताया जाता है कि मनुष्य जाने अनजाने में किए हुए उनके जो पाप होते हैं, उन सारे पापों को दूर करने के लिए इस प्रकार तीर्थ क्षेत्रों की जब यात्रा करते हैं, ज्योतिर्लिंगों की पूजा करते हैं, अथवा ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में अनुष्ठान करते हैं, जप ध्यान आदि करते हैं, उसके द्वारा हमारा जाने अनजाने हुए जो पाप होते हैं उसको निवृत्त किया जाता है। कुछ पाप ऐसे भी होते हैं कि हम जानते हुए करते हैं, ये पाप है हमको मालूम है, फिर भी हम लोग उसमें अनुरक्त हो जाते हैं। ऐसे जानते हुए किए हुए पापों को दूर करने के लिए शास्त्रों में किस पाप के लिए कैसा कर्म करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में जो बताया है उसको जान करके उस विशिष्ट कर्म को जब हम करते हैं उसको कहा जाता है असाधारण प्रायश्चित कर्म। तो इस तरह मुख्य रूप से दो कर्म है, एक निषिद्ध कर्म और दूसरा विहित कर्म। विहित कर्म में नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित नाम से चार प्रकार के कर्म बताए गए। शास्त्र में जो निषेध किया गया उसी का नाम निषिद्ध कर्म है, अर्थात चोरी नहीं करना, असत्य नहीं बोलना, किसी को पीड़ा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ये जो नहीं करने को कहा है उसको नहीं करना, यदि उसमें जो करता है उसका नाम निषिद्ध कर्म। करने से मनुष्य को पाप लग जाता है, तो निषिद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए, और निमित्त आने के बाद नैमित्तिक कर्म करना चाहिए, और कभी जाने अनजाने में किए हुए पापों को दूर करने के लिए साधारण असाधारण प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, और रोज अपना नित्य कर्म करना चाहिए। तो आप लोगों का नित्य कर्म क्या है? तो इष्ट लिंग की जो पूजा है वो आप लोगों का नित्य कर्म है। तो नित्य कर्म को छोड़ने से मनुष्य को उसका दुरित लग जाता है, इसलिए निश्चित समय पर अपनी इष्टलिंग की पूजा प्रतिदिन जो करता है उसको किसी प्रकार के दोष उसको नहीं लगते।
जैसे आप अपने घर में कमरे में रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज झाड़ू लगाने से धोने से आपका घर कमरा स्वच्छ रहता है। यदि 8 दिन झाड़ू नहीं लगाना, उसको धोना ही नहीं, तो आपका घर जो है वो कूड़ा खाना बन जाता, वो घर नहीं रहता। जैसे रोज साफ करने से घर स्वच्छ रहता है, उसी प्रकार इष्टलिंग की पूजा, पंचाक्षर मंत्र का जप प्रतिदिन करने से, उसको नित्य कर्म कहते हैं, उसको रोज करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध रहता है और रोज रोज भगवान के साथ जब संबंध होगा तो भगवान के प्रति आपकी अनुरक्ति बढ़ती जाती है। वो भगवान की अनुरक्ति ही आपके ऊपर भगवान की कृपा होने के लिए एक प्रकार का साधन बन जाता है। इस तरह कर्म यज्ञ का अर्थ है इष्टलिंग की पूजा प्रतिदिन अवश्य करना, तपः कर्म। और तीसरा होता है जपः। तो जप का अर्थ होता है कि एक ही मंत्र को बार 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 जब लोग हम आवृत्ति करते हैं, आवृत्ति का नाम ही जप है, उसी को अभ्यास भी कहते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल में प्रवेश कराते हैं, उनको पहले अक्षराभ्यास किया जाता है, उनको अ आ उसको स्लेट पर लिखा करके मास्टर लोग उनसे वो लिखवाते हैं। एक ही अक्षर को 100 बार 1000 बार उसी अक्षर को लिखते रहते हैं, उसी अक्षर को लिखते रहते हैं, उसी की पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति करते हैं। जितनी आवृत्ति हो जाती है उतना वो अक्षर दृढ़ हो जाता है। तो बचपन में हम लोग अक्षर का अभ्यास इतना करते हैं, उतना अभ्यास आगे के अभ्यास हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग शब्द भूल सकते हैं, वाक्य भूल सकते हैं, शब्दार्थ को भूल सकते हैं, लेकिन अक्षर को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि अक्षरों का अभ्यास इतना दृढ़ हुआ है बार 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 करते करते, जैसे उसको हम कभी भी हम विस्मरण हमको नहीं हो सकता अक्षर का, उसी प्रकार पंचाक्षर महामंत्र का उतना आवृत्ति होनी चाहिए, उतनी आवृत्ति हो जानी चाहिए। आप रात में निद्रा में भी है तो आपके मन में उसका उच्चारण होता रहना चाहिए, उच्चारण होता रहना चाहिए। इसलिए तीसरा यज्ञ का नाम है जपः। प्रायः अनेक प्रकार के यज्ञ संसार में बताए जाते हैं, उन सभी यज्ञों में गीता में भी भगवान ने कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जो बाह्य कर्म यज्ञ बहुत से हैं, सबको करना संभव में नहीं है, लेकिन जप यज्ञ करने के लिए आपका कोई कठिनाई नहीं है और किसी प्रकार का धन का व्यय भी नहीं होता है और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं रहते। आप बैठे बैठे जहां बैठे हैं वहीं बैठ करके भगवान का नाम की आवृत्ति करते जाते हैं। इस प्रकार भगवान के नाम की आवृत्ति जितना हो सके उतना करना, क्योंकि वही आपकी संपत्ति है। तो एक बार जब हनुमान और राम दोनों बैठे रहे तो कभी कभी रामचंद्र जी हनुमान से बहुत विलक्षण विलक्षण प्रश्न पूछते थे। एक बार मारुति से उन्होंने पूछा, हे मारुति, तुम तो भगवान रुद्र का अवतार हो और तुम बाल ब्रह्मचारी हो और तुमको कहा जाता है कि बुद्धिमताम वरिष्ठ। इस संसार में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उन सभी लोगों में तुम्हारी श्रेष्ठता मानी जाती है, तो मेरा एक प्रश्न है उसका तुम उत्तर देना। तो हनुमान ने पूछा, क्या है भगवान, आपका प्रश्न क्या है? तो मेरे मन में संपत्ति और विपत्ति, इसके बारे में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। संपत्ति वस्तुतः संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है? लोक में जगत में लोग जिसको संपत्ति कहते हैं, किसको विपत्ति कहते हैं, और वस्तुतः संपत्ति क्या है और विपत्ति क्या है? उस समय हनुमान जी कहते हैं,
भगवान का स्मरण करना संपत्ति है और भगवान को भूल जाना विपत्ति है। तो हम लोग संपत्ति को क्या कहते हैं, अधिक से अधिक नोट आ जाए तो हम कहते हैं हमारे पास बहुत संपत्ति आ गए। सोना चांदी अधिक आ गए तो हम लोग समझते हैं हमारे पास बहुत संपत्ति आ गए। आपके पास संपत्ति आई है लेकिन जाते समय उसमें से एक भी नोट लेकर के आप जा नहीं सकते हैं। तो आपको वो सारी संपत्ति जो है वो एक प्रकार की विपत्ति है, वही झगड़ा का मूल कारण। यदि किसी के घर में भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा हो, घर में माता और पिता में जो एक झगड़ा हो रहा हो, बहनों में झगड़ा हो रहा हो, तो उसका कारण केवल धन ही होता है, या तो अधिकार होता है या तो पद प्रतिष्ठा होता है। जिसको हम लोग संपत्ति मानते हैं वो एक प्रकार का बहुत भारी विपत्ति है, तो उसको हम लोग संपत्ति मान करके बैठे हैं। आपको हम लोग 10,000 रुपया देते हैं, तुम उसको गिन के लेना, और एक एक रुपया का एक एक रुपया के गिनी हम दे देंगे, आप बैठ के उसको गिन के लेना। ओ, उसको चाय का भी याद नहीं आता है, उसको भोजन का भी याद नहीं आता है, उसको निद्रा भी नहीं लगती है, गिनते गिनते एक भूल जाए तो फिर दोबारा गिनना शुरू करता है। गिनते गिनते एक आध रुपया गिर गया तो कितना गिरे क्या मालूम, फिर दोबारा उसको गिनता है। इतनी तत्परता से गिनता है, एक पैसा कम न हो जाए, एक पैसा ज्यादा न हो जाए, इस तरह उसको रोज यदि 10,000 रुपए देंगे गिनो करेंगे तो वो गिनता लेता है, अच्छा है गिनेंगे, और 10,000 देंगे तो और गिनेंगे कहेगा। लेकिन भगवान के नाम 10,000 जप करो गिनो, हजार में थक जाते हैं तो 10,000 में क्या हो जाता है। तो हम लोग, हमारी आसक्ति धन में अधिक है इसलिए उसको जिनने उसको गिनने में हमको रुचि होती है, अभिरुचि होती है, और भगवान के नाम के जप में हमको अभिरुचि नहीं है इसलिए उसका स्वाद हमको मालूम नहीं हुआ। एक सुभाषितकार ने कहा है, संसार में आने के बाद सभी प्रकार के रसों का तुमने आस्वादन किया है लेकिन भगवान के नाम जप रूपी रसास्वाद तुमको कभी मिला है क्या? तो कहते हैं, मृद्वी का रसिता सिता समसिता स्फीतम निपीतम पयः स्वरयातेन सुधाप्यधाय कथिदा रंभाधर खंडितः सत्यम ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे ब्राह्म्यता शिव इत्यक्षरयोर द्वयोर मधुरिमोद्गार क्वचिल लक्षितः। तो उसको आप लोगों को गिन गिन करके बताते हैं, मृद्वी का रसिता, कितने प्रकार के रस है संसार में, उन सभी रसों का आस्वादन तुमने कैसे किया है। मृद्वी का रसिता, तो अप्रैल मई मास में अंगूर आते हैं, तो जैसे अंगूर आ गया तो आप लोग उसको पहले खरीदना, अंगूर पहला है उसको पहले खरीदना। तो पहले खरीद करके अंगूर का आस्वादन करते हैं, जब आम का मौसम आता है तो पहले उसको खाने के लिए विचार करते हैं। ऐसे मौसम के कितने भी फल आते हैं उसको पहले खरीदना, पहले हमने खा लिया, मार्केट में सबसे पहले मैंने लिया। तो इस प्रकार अनेक फलों के रसों को तुमने कई बार आस्वादन किया है, मृद्वी का रसिता सिता समसिता। और जो है चीनी का भी आस्वादन आप लोगों ने बहुत बार किया है, उसमें भी जो खंड शर्करा होता है, खड़ी साकर मराठी में कहते हैं खंड शर्करा, वो सादा चीनी से भी बहुत अच्छा रहता है, उसका भी स्वाद आप लोग बहुत बार ले चुके। सीता समसिता स्फीतम निपीतम पयः, और कई बार गाय का अमृत सदृश दूध का भी आप लोगों ने पान किया, उसका भी रसास्वादन लिया है। और आजकल के लोगों को केवल दूध पीने का अभ्यास नहीं है, उसको और चाय पत्ती वगैरह डाल करके उसका भी आप लोग स्वाद करते हैं,
तो उसका भी स्वाद बहुत बार लिया है। तो कहते हैं केवल इस लोक के नहीं, परलोक में अमृत आदि जितने भी रस है उसको भी तुमने स्वाद का आस्वादन किया, उसका ढेकार भी तुमको आया होगा। लेकिन कहते हैं सत्यम ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे ब्राह्म्यता। इस संसार में घूमने वाला है जीवात्मा, तुम एक बार भी ऐसा तुमको अनुभव हुआ है क्या? मन भर करके नाम जप करके तृप्त हो करके तुमको ढेकार कभी आया है क्या? नामामृत पान करके कभी तुमको ढेकार आया है क्या? नामामृत पान करने में मन में जो है उतना उत्साह नहीं मिलता है, लेकिन और कोई भी रस मिल जाए, मीठा मिल जाए, तीता मिल जाए, भोजन में यदि आचार नहीं रहता है तो कितना त्रास होता, आचार मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, पापड़ मिल जाए कितनी खुशी होती है, आचार मिल जाए कितनी खुशी होती है, और भी नाना प्रकार के चटनी मिल जाए तो और भी खुशी हो जाती है। लेकिन इन सारे रसों को आस्वादन करते समय मन में कितनी खुशी होती है, लेकिन उतनी खुशी आपको भगवान के नाम स्मरण करने होती है क्या? अर्थात नामामृत पान करने का अभ्यास लोगों को नहीं है, इसलिए ये सभी अमृत सेवन करने वाले नहीं है, ये सभी के सभी जो है विष का ही पान करते हैं और धीरे 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 मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, उनको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का नाम जप करना चाहिए, नाम को लिखना भी चाहिए। जिसका चित्त जल्दी एकाग्र नहीं होता है, बैठ करके मन लगा करके भगवान का नाम को भी लिखते रहना चाहिए। लिखित जपाभ्यास और वाचिक जपाभ्यास कैसे भी होगा तो मनुष्य को जप करना चाहिए। तो कहते हैं जप जो है हमारा वो भी एक प्रकार का यज्ञ है और सुलभ है सबके लिए, वो साध्य है। चाहे रोगी भी होगा, अस्पताल में काट पर पड़ा भी होगा, तो बैठे बैठे मन में भगवान का नाम जप वो कर सकता है। इसलिए अत्यंत सुलभ, सबके लिए योग्य होने के कारण उसको भी यहां पर बताया गया जपहा। तप कर्म जपहा, तो जप के बाद आता है ध्यानम। तो प्रायः जब हम लोग जप करते रहते हैं तो हमारे हाथों में रुद्राक्ष की माला तो घूमती रहती है, मुख में भगवान का नाम का आवृत्ति हो भी रहा है, लेकिन मन वहीं रहता है इसको कहना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मन जो है, आप जहां रहते हैं मन वहां नहीं रहता, वो आपके आगे आगे चलता रहता है। आप पीछे पीछे रहते हैं मन जो है आगे आगे चलता है। शरीर जो है एक बूढ़ा आदमी के जैसे है, मन जो है एक बच्चे के जैसा। कभी कभी सत्संगों में बूढ़ी माताओं को, बूढ़े पिताओं को जब आना रहता है तो स्वतंत्र रूप से नहीं आ सकते हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं तो घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं चलो थोड़ा हम लोगों को सत्संग में जाना है, हमको हाथ पकड़ करके ले जाना। तो बच्चा कहता हाँ, हमको चॉकलेट देना, बिस्किट दिलाना, या तो खेलने के लिए पैसा देना, तभी तुमको मैं ले जाऊंगा। हाँ ठीक है, तुमको बिस्किट देंगे, तुमको गोलियां देंगे, सब देंगे, ले चलो। तो उसके वजह से वो उसको बूढ़े को ले आता है और सत्संग के हाल में बिठा देता है, और बिठा करके वो गोली खाने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए वो बाहर चला जाता है। जब सत्संग समाप्त हो जाता है इसको फिर घर ले जाने के लिए फिर वापस आता है, आकर के इनको घर ले। जैसे बच्चा ला करके छोड़ता है और बाद में फिर ले जाता है, उसी प्रकार आपका मन भी ऐसे ही होता है, वो बच्चा के जैसा है। शरीर जो है आपका बूढ़े आदमी के जैसा है। जब आप कहेंगे चलो हमको वहां तक पहुंचा दो, महास्वामी जी का आशीर्वचन होगा, तो आपको ला करके यहां बैठा देता है और वो स्वयं बाजार में घूमने के लिए चला जाता है। अरे कल जाना है, अभी कुछ रह गया, क्या करना है, वो क्या क्या सोचता है उसको कह नहीं सकते। बहुत दिन हो गया घर छोड़ करके, घर में क्या हो गया होगा।
तो जाने के बाद तो घर को आपको देखना ही है, तो यहीं बैठ करके घर गए देखने की क्या जरूरत है। जब घर छोड़ के आए तो छोड़ देना, जितना दिन शरीर यहां है उतना दिन यहीं रहना चाहिए। तो मन का स्वभाव होता है जहां रहता है वो नहीं रहता। जब घर में रहता है तो कहता है चलो यात्रा करने के लिए, चलो काशी चलो काशी चलो, जब काशी आता है चलो घर चलो घर चलो। जब आप किसी छोटे बच्चे को लेकर के दूसरे के घर में जाते हैं, घर में बैठा बैठा कहते चलो मम्मी बाहर चलेंगे पापा बाहर चलेंगे, तो मम्मी पापा इनको दोनों लेकर के बाहर चलते हैं, तो बाहर जाते कहते चलो घर चलो वापस चलो, तो घर आते हैं तो फिर जाता है उधर चलो इधर चलो। जैसे छोटा बच्चा कहीं भी स्थिर बैठ नहीं सकता, उसका स्वभाव इतना चंचल रहता है वो कहीं भी स्वभाव से स्थिर से नहीं बैठ सकता। वैसे आपका मन जो है यहां आने के लिए सोचता है तो यहां आते है, आप यहां आते हो तुरंत वापस चला जाता है। इसलिए कहा जाता है केवल जप करने से हमारी साधना पूरी नहीं होती है, जप के बाद ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान का अर्थ होता है आपका जो मन है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं और जिस भगवान का नाम का आप आवृत्ति कर रहे हैं, उसी भगवत तत्व को अपने हृदय में निरंतर उसकी जो चिंतन होता है उसी का नाम ध्यान। कम से कम एक घंटे तक हमारे मन में कोई भी विचार न आता हुआ यदि हम लोग भगवान का चिंतन करेंगे तो उसी का नाम ध्यान है। 5 मिनट बैठ गया उठ गया वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान का अभ्यास है। ध्यान करने के लिए वो अभ्यास है। आज 5 मिनट बैठ सकते हैं, कल 10 मिनट बैठ सकते हैं, परसों 15 मिनट बैठ सकते हैं। इस प्रकार एक बार बैठने के बाद जहां पर आप चित्त को लगाए हैं उससे वो बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। जहां बिठाया तो वहीं बैठ, जैसे एक पत्थर को आप कहीं जाकर के रखते हैं, जब तक आप उसको उठा करके दूसरे जगह नहीं रख तब तक वहीं बैठा रहता है। उसी प्रकार आपका मन जो है एक बार अपने हृदय में उसी भगवत तत्व के चिंतन में जब मन लग जाता है, घंटों घंटों जब आपका चित्त उसी में रम जाता है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है, तो समझना चाहिए हमारे मन को ध्यान की अवस्था आ गई है। इस तरह प्रतिदिन, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया ऐसा नहीं होता, तो ध्यान करने के लिए निश्चित समय करना चाहिए और निश्चित समय पर निश्चित आसन पर जब बैठ के ध्यान करेंगे तो शरीर को जब आदत होगा तब वो धीरे धीरे उसमें अनुरक्ति उसमें आ सकती है। इस प्रकार चौथा जो यज्ञ उसको ध्यान यज्ञ कहते हैं। अंतिम यज्ञ उसका नाम है ज्ञान यज्ञ। हम लोग ध्यान करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं उसके स्वरूप के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। जिस भगवान का हम लोग ध्यान करते हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो क्या सगुण है या निर्गुण है, या सगुण निर्गुण दोनों ही है, या उससे और भी परे उसकी अवस्था है, तो वस्तुतः ज्ञान पा लेना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान के ध्यान करने के लिए, ध्यान का ज्ञान पाने के लिए हमको आगमों का और ग्रंथों का स्वाध्याय करना पड़ता। जिन ग्रंथों में, जैसे वेदों में भगवान का स्वरूप के बारे में बताया गया है, उपनिषदों में भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया है और आगम ग्रंथों में बताया गया है, इतना ही नहीं हमारे इन भारतीय संस्कृति के जो प्राचीन साहित्य है इसको अभ्यास करके जिसको संस्कृत नहीं आता है, ऐसे सामान्य लोगों को, प्रादेशिक भाषा जानने वाले लोगों को समझाने के लिए प्रत्येक प्रांत के कई संत लोग, कुछ लोग कन्नड़ में, कुछ लोग मराठी में, तेलुगु में, गुजराती में, बहुत से संत लोग हिंदी में हो गए हैं, वो लोग उन्हीं सभी शास्त्रों का निचोड़ जो है अपने अनुभव वाणी में जो लिखे हैं उसका भी जब हम अध्ययन करेंगे तब हमको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है।
तो ज्ञान जो है परम पवित्र माना जाता है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते। मनुष्य को पूर्ण रूपेण पवित्र होने के लिए, पूर्ण रूपेण पापों से मुक्त होने के लिए उसको भगवान का ज्ञान पाना अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान जो है सर्वव्यापक है, वो सदा सदा रहने वाला है, सदा प्रकाश रूप है, इतना ही नहीं सदा सुख रूप है। जैसे भगवान सदा रहने वाला है, प्रकाश रूप है, आनंद रूप है, उसी प्रकार हमारी भी जो आत्मा है वो भी सद्रूप है, चिद्रूप है और आनंद रूप है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा इन दोनों के स्वरूप को जान करके, उन दोनों के अभेद जब बोध हम लोगों को हो जाता है, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, शिवोहम। अभी तक हम लोग शिव को अलग मान करके पूजा करते रहे, जब हमारी पूजा निरंतर होती होती हम लोग क्या हो जाएंगे, शिव की पूजा करते करते जीवात्मा भी शिव स्वरूप हो जाता। कीटो भ्रमर ध्यानेन भ्रमरो भवति ध्रुवम। एक सामान्य कीट भ्रमर का चिंतन करता हुआ जैसे भ्रमर रूप बन जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा का ध्यान करता हुआ उसके स्वरूप को जान करके वो अंतिम अवस्था में परमात्मा स्वरूप को ही पा जाता है। उस समय कहता है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। इस प्रकार की जब स्थिति हो जाती है उसी को कहते हैं ज्ञानम। तो तप से हमारा यज्ञ शुरू होता है, तपो यज्ञ, कर्म यज्ञ, जप यज्ञ, ध्यान यज्ञ और अंतिम होता है ज्ञान यज्ञ। तीन पंच प्रकार के यज्ञों को जो करता है उसी को वस्तुतः भक्त कहा जाता है। तो भक्त का संपूर्ण पूजा की परिस्थिति पूरा होने तक, ज्ञान की अवस्था में पहुंचने के बाद उनकी पूजा पूरी हो जाती है। इस तरह जो शिवभक्त है, सिद्धांत शिखामणि में कहा जाता है, उनको इन पंच यज्ञों को एक दिन किया, एक दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। केवल श्रावण मास आया है तपश्चर्या करो, अधिक मास आया है तपश्चर्या करो, ऐसा नहीं है। शिवरात्रि आए तपश्चर्या करो, ऐसा नहीं है। आपके लिए सभी रात्रि शिवरात्रि है, आपके लिए सभी वार सोमवार है, आपके लिए सभी मास श्रावण मास ही है शिवभक्तों के लिए। इस तरह इन पंच यज्ञों को प्रतिदिन उसका आचरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार आचरण के बारे में बताते हुए और भी होते हैं तो उसके बारे में बताते हैं। जब आप एक भगवान के प्रति आपके मन जब निष्ठा हो जाती है तो उस निष्ठा को विचलित करने के बहुत से प्रसंग संसार में आपको आ सकते हैं। यदि आप भगवान शिव के ऊपर निष्ठा करते हैं तो कोई आकर के शिव की निंदा कर सकता है। यदि आप भगवान विष्णु के भक्त है, कोई आकर के विष्णु की निंदा कर सकता है। तो शास्त्रकारों ने कहा है अपने इष्ट देव की निंदा उस भक्त को कभी नहीं सुनना चाहिए, स्वयं तो करना ही नहीं और दूसरे व्यक्ति के द्वारा निंदा भी उसको नहीं सुनना। इसके बारे में बताते हैं सिद्धांत शिखामणि में, जो पांच प्रकार के जो आचार है, लिंगाचार, सदाचार, शिवाचार, गणाचार, वृत्त्याचार, उसमें गणाचार के प्रति कहते हैं शिव निंदा करम दृष्ट्वा घातये दतवा शपेत स्थानम वा तत्परित्यज्य गच्छेद्य दक्षमो भवेत। यदि आप भगवान शिव के भक्त है तो शिव की निंदा यदि कोई करता है तो उसको नहीं सुनना चाहिए। तो उसके लिए दो उपाय बताते हैं। आपके पास यदि सामर्थ्य है उसको प्रताड़ित करना चाहिए, उसको वहां से भगाना चाहिए मारपीट करके। तो यदि आपके पास मारने की शक्ति नहीं है तो आप ही स्वयं उस जगह छोड़ करके किसी दूसरे जगह पे जाना चाहिए। अशक्त हो करके निंदा सुनते हुए कभी नहीं बैठना चाहिए। अपने गुरु की निंदा, अपने धर्म ग्रंथ की निंदा, अपने इष्ट देव की निंदा कभी नहीं करना चाहिए। और कोई करता है तो उसको दंड देना चाहिए,
आपको दंड देने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, उस स्थान को छोड़ करके बहुत दूर जाना चाहिए। इस तरह शिवभक्त को इस प्रकार का गणाचार का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ लौकिक व्यवहार में भी बताते, जब आप लोग दीक्षा लिए, इष्टलिंग की दीक्षा लिए हैं, तो वीरशैव सिद्धांत में इष्टलिंग की दीक्षा स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से दिया जाता है। तो यहां पर कुछ व्यावहारिक कुछ अड़चने यहां पर आ जाते हैं, उसको दूर करने के लिए कहते हैं। प्रायः लिंग दीक्षा लेने के बाद जब सूतक प्राप्त हो जाता है तो उस सूतक के समय में लिंग पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऐसी एक समस्या आ जाते हैं। तो कहते हैं नतस्य सूतकम किंचित प्राण लिंगांग संज्ञना। वीर शैवों को इष्टलिंग की पूजा करने के लिए कोई किसी प्रकार का सूतक वहां पर नहीं होता है, अर्थात प्रसूति का सूतक हो, रजस सूतक हो, मरण सूतक हो, इन तीन प्रकार के सूतकों में कोई भी सूतक आ जाए तो उसमें लिंग पूजा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। घर में चाहे किसी का जन्म हो जाए, घर में कोई मर जाए, घर में किसी को जो है रजस सूतक आ जाए, जिसको सूतक आया है उसको भी नहीं छोड़ना है, जिस घर में सूतक आया उस घर के व्यक्तियों को भी पूजा नहीं छोड़नी है, क्योंकि वीर शैवों का जो इष्टलिंग है उसको प्राणलिंग कहा जाता है। प्रायः हिंदू संस्कृति में अन्य समाज में देखा जाता है, यदि कोई किसी को सूतक कहा जाता है उसको मंदिर में प्रवेश नहीं होता है और भगवान की पूजा नहीं कर सकती है, भगवान के मंदिर में भी नहीं जा सकते, अपने घर में जो भगवान का मंदिर बना उसमें भी वो नहीं जा सकते, ऐसा निषेध माना जाता है। लेकिन आपका भगवान आपके साथ रहता है, हाँ, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने शरीर को जब एक बार मंदिर बना लिए तो मंदिर से उस लिंग को निकाल के नहीं रखना है, तो आपके शरीर पर सदा सदा रहता है, इसलिए प्राण लिंगांग संगियों के लिए किसी प्रकार का सूतक नहीं है। इसलिए शास्त्रों में उदाहरण दिया है, प्रायः बरसात के दिनों में नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा एक धर्मशास्त्र का विधान है, क्योंकि जो बारिश के दिनों में जब नया पानी नदी में आ जाता है तो उसको नदी का रजस सूतक माना जाता है, उस समय पानी जो है दूषित रहता है, उसमें नाना प्रकार के दोष होते हैं, स्नान करने से आपका शरीर में नाना प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है, इसलिए नए पानी में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदी को रजस सूतक प्राप्त है। लेकिन सभी नदी में निषेध होने पर भी गंगा नदी के लिए निषेध नहीं है, चाहे नया पानी हो चाहे पुराना पानी हो, कैसा भी पानी होगा तो गंगा के लिए सूतक इसलिए नहीं है क्योंकि गंगा भगवान शिव के मस्तक से आई हुई है, तो भगवान शिव उसको मस्तक पर धारण किया है और भगवान शिव के साथ उसका नित्य संबंध होने से उसको जैसे सूतक नहीं है, उसी प्रकार उसी भगवान शिव को अपने शरीर पर धारण किए हुए जो स्त्री है, जो माता है, उनको किसी प्रकार का सूतक नहीं, क्योंकि शिवलिंग का संबंध होने से उसको सूतक नहीं। घर के अन्य व्यवहार में आप सूतक का पालन कर सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट लिंग की पूजा में सूतक नहीं है। आप स्नान करके सुचिरभूत होकर के इष्टलिंग की पूजा करने के लिए कोई प्रतिबंधक नहीं है। तो इस प्रकार इष्टलिंग की पूजा करने वाला जो शिवभक्त है उसको यात्रा भी करने के लिए बताते हैं और कहते हैं अपने गांव में बड़े बड़े मंदिरों को निर्माण करने के लिए आपको सहयोग भी देना चाहिए, और यदि आपके गांव में कोई यात्रा होती है तो यात्रा में भी आपको जाना चाहिए। यदि कोई तीर्थ यात्री कहीं से कहां तक यात्रा में जा रहा है तो यात्रा में जाते समय उस यात्रा के बीच में यदि आपका गांव है, आपका घर है, तो यात्रा में जाने वाले लोगों के लिए जल की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था भी करने के लिए शास्त्रों में कहा जाता है। इसलिए बहुत से लोग
जब पैदल यात्रा चलते हैं, पाद यात्रा करते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रत्येक गांव में लोग उनको आदर से बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको अच्छे अच्छे व्यवस्था करते हैं। इसलिए क्योंकि यात्रा करने वालों को जो रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो भी व्यवस्था करते हैं, तो यात्रा करने वालों को जो पुण्य मिलता है उसका आधा पुण्य यहाँ बैठे बैठे आप उनको जो खिलाएंगे पिलाएंगे आपको भी मिल सकता है। इसलिए हमारे देश में बहुत प्रथा है, प्रत्येक प्रांत में प्रथा है, कोई यात्री किसी गांव में जाता है तो भोजन के लिए उनको आदर से बुलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है, उनको पिलाया जाता है। इस तरह इस भक्त मार्ग क्रियास्थल में शिवभक्त को जो करने योग्य जो कर्म है, जो विधियां हैं, जो आचार, इसके बारे में विस्तार रूप से बताया जाता है। इसके अलावा शिवभक्त को जब अपने रोटी बेटी का जो व्यवहार करना है उसके बारे में भी बताते हैं, अपने कुल, अपने शील, अपने आचार विचार से जो मेल खाने वाले होते हैं उन्हीं के साथ अपना रोटी बेटी का भी व्यवहार करना चाहिए। हमारा आचार अलग है, उनका आचार अलग है, ऐसे आचार अनाचार मिल जाए वो दूसरे प्रकार का हो सकता है। इसलिए हमेशा ये व्यवहार करते समय यदि लड़की को देना है और लड़की को लेना है, अपने आचार विचार कुल शील इनको अनुरूप व्यक्तियों में ही करना चाहिए। नहीं तो आप शिव पूजा करने वाले हैं और दूसरा कोई पूजा करने वाला आएगा, आप कहेंगे शिव पूजा करो, वो कहेंगे करोगे तो भगवान को लेकर के घर में झगड़ा हो सकता है। इसलिए आप जिस भगवान के भक्त हैं उसी भगवान के भक्तों के साथ जब आप संबंध करेंगे तो घर में वातावरण और उसमें वृद्धि हो सकती है, आनंद मिल सकता है। इस तरह सिद्धांत शिखामणि में आध्यात्मिक आचार और व्यवहारिक आचार के बारे में बहुत विस्तार ढंग से बताया गया है। इस आचार विचार को भक्तों के योग्य जो आचार विचार उसको प्रतिपादन करने वाला जो स्थल है उसी के नाम भक्त मार्ग क्रिया स्थल कहा जाता है। हमारे द्वारा बताए गए इन सभी बातों को याद रख करके आप अपने जीवन में आचरण करने के लिए प्रयत्न करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन हम पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।